हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का द फाइट चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। कहानी शुरू होती है दो लड़कों से, एक का नाम है रंजी और दूसरे का नाम है सूरज। रंजी एक राजपूत है, वो रायपुर के अंदर रहता है। एक दिन यूं ही जंगल के अंदर घूमते घूमते वो एक पूल को डिस्कवर करता है, मतलब कि एक तालाब को डिस्कवर करता है। बेसिकली एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। ये पानी काफ़ी क्लीन था तो रंजी को लगता है कि ये पानी तो स्विम करने के लिए सबसे बेस्ट है और ये तो मेरा पर्सनल पूल हो गया। इसके बारे में शायद किसी को पता भी नहीं है, ये मेरा एक सीक्रेट पूल है। उस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी थी तो जो रंजी था वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करता है स्विम करने में। रंजी के कोई दोस्त भी नहीं थे जिनके साथ वो ये सीक्रेट शेयर करता, वो हर समय अकेला ही घूमता रहता था। अब वो कभी कभी इस पूल के अंदर आकर स्विम भी करता था। जो रंजी था वो काफ़ी ज़्यादा पतला था, मतलब बिल्कुल भी मांस नहीं था उसके शरीर में। और ये जो पूल था ना, इसके अंदर पानी पता है कहाँ से आ रहा था? दो रॉक थे, दो पत्थर थे, उनके बीच से निकलता हुआ एक पानी का स्ट्रीम आ रहा था, मतलब एक पानी आ रहा था। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीज़ें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अगले दिन रंजीत वापस से अपने पूल के पास पहुँचता है। आराम से वो पूल के किनारे लेटा हुआ होता है। वो नोटिस करता है एक और लड़के को, और ये जो लड़का होता है इसका नाम होता है सूरज। सूरज काफ़ी ज़्यादा गुस्से से रंजी को देख रहा होता है। और जो सूरज होता है ना, ये रंजी से काफ़ी ज़्यादा एज में बड़ा भी होता है, लंबा भी होता है, ताकतवर भी होता है। तो रंजी इसको देखकर थोड़ा डरता भी है, लेकिन फिर भी रंजी उसे बोलता है कि ये जो पूल है ये मेरा पूल है, तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो? तो सूरज उसकी तरफ देखकर बोलता है कि नहीं नहीं, ये पूल मेरा है। तो यहाँ पर ही कॉल्ड हिमसेल्फ अ वॉरियर, और यहाँ पर जो ये लड़का था सूरज, ये बोलता है कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं पंजाबी हूँ। रंजी जो था वो भी इस लड़के से बिल्कुल भी नहीं डरा सूरज से, जबकि सूरज उससे लंबा भी था, स्ट्रॉन्गर भी था, लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं डरा रंजी उससे। तो यहाँ पर रंजी उसे बोलता है कि मैं कोई विलेजर नहीं हूँ। ठीक है, रंजी उसको बोलता है, लड़के को, सूरज को, कि देखो मैं कोई विलेजर नहीं हूँ। और यही चीज़ सूरज उसको भी बोलता है कि मैं कोई विलेजर नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ, यानी कि मैं एक पहलवान हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, रेसलर हूँ। ठीक है, तो तुम मुझे डरा नहीं सकते। रंजी बेचारा वैसे ही इतना पतला सा था, छोटा सा था, और सूरज इतना स्ट्रांग था। जब सूरज ऐसे बोलता है और जाने से मना कर देता है, बोलता है कि देखो मैं तो ये पूल छोड़ के नहीं जाऊँगा, रंजी को गुस्सा आती है। रंजी भाग कर उसके ऊपर हमला करता है, दोनों के अंदर बहुत ज़ोर से लड़ाई होने लगती है। सूरज बहुत हट्टा कट्टा ताकतवर पहलवान था, ज़ोर से रंजी के गाल पे एक चाटा मारता है। आप फोटो के अंदर देख सकते हो कि इसके चीक्स के ऊपर रेड निशान पड़ गया है। रंजी का भेजा घूम जाता है और दो मिनट के लिए वो सारी चीज़ें भूल जाता है, लेकिन फिर दोबारा से रंजी ज़ोर से अपना मुक्के से सूरज को मारता है। सूरज के ऊपर भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। इतनी बुरी तरीके से इनकी लड़ाई हो रही थी कि ये लोग गिरते पड़ते पानी के अंदर पहुंच जाते हैं। इनकी लड़ाई कुछ देर तक चलती रहती है, बाद में दोनों ही थक जाते हैं। इस लड़ाई के अंदर कोई भी विजेता नहीं होता,
तो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग अपनी लड़ाई अगले दिन लड़ेंगे। रंजी ने भी प्रॉमिस कर दिया कि ये पूल तो मेरा है, सूरज तुम यहाँ पर आकर स्विम नहीं कर सकते, यहाँ पर तुम नहीं आ सकते। तो यहाँ पर जो रंजी था उसने प्रॉमिस कर दिया था कि मैं भी अगले दिन आऊँगा और तुमसे लड़ाई करूँगा। दोनों ही बच्चों के हाथों पर, पैरों पर और पूरे शरीर पर बहुत सारे कट मार्क्स आ गए थे। कट मार्क्स मतलब कि कुछ ऐसे निशान आ गए थे। उसी समय रंजी अपने घर पर वापस आ जाता है। जब वो घर पर आता है तो उसकी मम्मी उसे काफ़ी ज़्यादा डांटती हैं, बोलती हैं ये कहाँ से लड़बड़ के आया है तू, इतने तेरे पिटाई विटाई के निशान कहाँ से बन गए। रंजी उन्हें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं बताता कि उसने सूरज से लड़ाई करी थी। शाम के समय रंजी बाज़ार के अंदर जाता है। वहाँ पर वो जलेबी खा रहा होता है और लेमनेड पी रहा होता है। जैसे ही वो जलेबी और लेमनेड खा पी रहा होता है, अचानक से वो देखता है कि वहीं पर सूरज भी आ रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखते हैं। रंजी जो था वो अभी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फील कर रहा था और उसे ऐसा लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा आलस भी आ रहा था, क्योंकि जो उसने फाइट करी थी पहले उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से सूरज ने रंजी की पिटाई करी थी। लेकिन रंजी ने जो चैलेंज दिया था, जो उसने ज़ुबान दी थी कि मैं तुमसे सूरज अगले दिन लड़ने ज़रूर आऊँगा, इस चीज़ को लेकर वो बैकआउट नहीं करना चाहता था। रंजी बहुत अच्छे से जानता था कि वो सूरज को किसी भी हालत में हरा नहीं सकता, क्योंकि सूरज बहुत ताकतवर था, लेकिन वो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसका मानना ये था कि जब तक मैं सूरज से लड़ूंगा तभी ये जो पूल है मेरा हो पाएगा, क्योंकि इस पूल को मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है और एक तरीके से मैं ही इस पूल का मालिक हूँ। अगले दिन दोनों आ जाते हैं वहाँ पर। तो क्या होता है कि जो रंजी था, रंजी सूरज को बोलता है कि अरे आजा लड़ने के लिए इधर। तो सूरज बोलता है अच्छा मैं आ जाऊँ लड़ने के लिए तेरे पास, इधर आजा तैर कर अगर तुझे तैरना आता है तो। तो रंजी को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। उसको गुस्सा इसलिए आता है कि सूरज उसे चैलेंज कर रहा था कि उसे स्विम करना नहीं आता। रंजी अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से स्विम करता हुआ सूरज के पास पहुँचता है। सूरज जब रंजी को स्विम करते हुए देख रहा था, वो सोचता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी स्विमिंग करता है। तो यहाँ पर जो सूरज है बोलता है अरे भाई तुम तो बहुत अच्छी स्विमिंग करते हो। तो यहाँ पर दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। रंजी बोलता है कि देखो मेरे को तो बहुत ही अच्छे से स्विमिंग करना आती है। तो यहाँ पर जो सूरज होता है बोलता है कि यार तुम बहुत अच्छी स्विमिंग करते हो, तो ऐसा करो तुम मुझे क्या करो, तुम मुझे स्विमिंग सिखा दो। तो यहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करता है रंजी से, सूरज के मुझे स्विमिंग सिखा दो। और फिर यहीं पर जो सूरज था वो रंजी को ऑफ़र करता है कि देखो जो तुम हो तुम काफ़ी ज़्यादा पतले हो, और जो मैं हूँ सूरज मैं एक रेसलर हूँ, ठीक है, और मैं बड़े होके इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रेसलर बनना चाहता हूँ। तो जो सूरज है वो रंजी को ये प्रॉमिस कर देता है कि देखो रंजी तुम काफ़ी ज़्यादा पतले हो, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रांग बनवाऊंगा, पहलवानी की कुछ ट्रेनिंग दूंगा। तो दोनों के बीच में क्या होती है, बातचीत हो जाती है, एक तरीके से दोस्ती हो जाती है, क्योंकि रंजी ने प्रॉमिस करा था कि वो सूरज को स्विमिंग करना सिखाएगा और सूरज ने प्रॉमिस कर दिया उसे कि वो उसे रेसलिंग सिखाएगा। जब सूरज पानी के अंदर कूदता है तो वो वैसे तो मोटा होता ही है, पेट वेट उसका होता ही है, पूरा स्ट्रांग पहलवान होता है। जैसे वो पानी के अंदर कूदता है इतनी ज़ोर की पानी से आवाज़ होती है कि पूछो मत। रंजी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है इस चीज़ को देखकर। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों बोलते हैं कि अब हम इस पूल को जॉइंटली ओन करेंगे, मतलब अब हम दोनों ही इस पूल के मालिक बनेंगे। और बाद में जो सूरज था वो रंजी को ऑफ़र भी करता है कि मैं तुम्हें अपने घर पर खाना खिलाऊंगा आज, तो दोस्त आज शाम को आ जाना मेरे घर पर खाना खाने। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अच्छा, इस चैप्टर से हमने सीखा क्या, मॉरल ऑफ द चैप्टर या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था? इस चैप्टर का मॉरल यही था कि लड़ाई से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, बल्कि आपस में बातचीत करके ही हम लोग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे रंजी और सूरज ने लास्ट में बातचीत करी, दोनों ने एग्री करा के हम इस पूल के मालिक बनेंगे दोनों, और दोनों ने एक दूसरे की मदद भी करी। क्या बोला रंजी ने कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा दूंगा, और सूरज ने क्या बोला कि मैं तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग बना दूंगा क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा पहलवान हूँ। अगर आपको इस चैप्टर के सैम्पल पेपर चाहिए या नोट्स चाहिए तो बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबर बनना है।
तो फटाफट आप मेंबर बन जाओ, वीडियो को लाइक करो। मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, तो फटाफट सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन। मनुष्य ज्ञान लेते रहो।